वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बेसिक ऑफ इनवर्स ऑफ वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन कब फाइंड आउट होगा? सबसे पहले जो कंडीशन है हमारे पास कि जो फंक्शन है, ठीक है, वो 1-1 ऑन टू फंक्शन हो, ठीक है, तभी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन पता हो हमें, 1-1 फंक्शन क्या होता है और 1-2 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे एफ फंक्शन एक्स से वाई, इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब जैसे दो सेट हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है, इस सेट के कुछ एलिमेंट हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो और एक बार यूज हो, इस तरीके से, ठीक है। ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद 1-1 की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? जो भी पहले सेट के एलिमेंट हैं, 1-1 के लिए पहले सेट पर कंडीशन होती है, ठीक है, पहले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक से ज्यादा इमेज ना हो, मतलब उनका एक के साथ एक से ज्यादा रिलेशन ना हो, मतलब 1 का रिलेशन इस एलिमेंट के साथ, इस तरीके से, ठीक है। मतलब अब जैसे ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके से इस एलिमेंट का इस तरीके से रिलेशन ना हो कि उसका 2 के भी साथ रिलेशन है और 3 के साथ भी, ठीक है, वरना 1-1 नहीं होगा, वो मैनी 1 होगा, ठीक है। मतलब फंक्शन की कंडीशन पहले सेट पर कि सारे एलिमेंट यूज हो, एक बार यूज हो, और 1-1 के लिए एक ही उसकी इमेज हो, ठीक है, एक से ज्यादा ना हो। मतलब जैसे इस ये एलिमेंट है 3, ठीक है, जैसे ये सेट हो हमारे पास, ठीक है, इसका एलिमेंट है ये, ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास 2 सेट, ठीक है। अब जो 1 है, 1 का रिलेशन 2 के साथ हो, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है यहां पर कि पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट यूज हो, एक बार यूज हो, इस तरीके से, ठीक है। और 1-1 की क्या कंडीशन थी कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज हो, मतलब जैसे ये एलिमेंट है 1 का रिलेशन है -1 के साथ यहां पर, ठीक है, जो 1 है, ठीक है, इस 1 को कहते हैं प्री इमेज, ठीक है, और इस -1 को कहेंगे इमेज, ठीक है। 1 की -1 है इमेज, लेकिन -1 की 1 है प्री इमेज, ठीक है। अब 1 है यहां पर, इसका रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है। अब फंक्शन की भी डेफिनेशन फॉलो है यहां पर और 1-1 की, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट है 3, ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा उससे कोई मतलब नहीं, मतलब जो 3 है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है, मतलब उसका किसी के भी साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी 1-1 होगा यहां पर, ठीक है। और जो ऑन टू फंक्शन था हमारे पास, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, जैसे 2 सेट हैं एक्स वाई या फिर कुछ भी नाम सिंपली, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट हैं, ठीक है। फंक्शन की सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन पहले सेट पर इस तरीके से, ठीक है। और ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास? ऑन टू की कंडीशन सेकंड सेट पर होगी, ठीक है। क्या कंडीशन थी कि सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हो उनकी उनका किसी न किसी के साथ रिलेशन जरूर हो, मतलब उनकी प्री इमेज जरूर हो, हर एलिमेंट की प्री इमेज जरूरी है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहां पर सेकंड सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, वरना इसकी प्री इमेज नहीं होगी, और प्री इमेज नहीं होगी तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो क्या होगा हमारे पास? जैसे 2 सेट हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से, एक बार यूज हो, ठीक है, सारे एलिमेंट यूज हो और एक बार यूज हो, और 1-1 की कंडीशन पहले सेट पर इस तरीके से कि उनकी एक प्री इमेज
एक से ज्यादा इमेज ना हो, ठीक है, और ऑन टू कंडीशन सेकंड सेट पर इस तरीके से, मतलब सेकंड सेट में जो फंक्शन की डेफिनेशन है पहले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो सिंपली, और वन वन की यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जो इनका कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरीके से, मतलब यहां पर भी सभी एलिमेंट का रिलेशन होगा और यहां पर भी, और एक के साथ होगा इस तरीके से, ठीक है, हमारे पास क्या होगा वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास दो सेट है, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, फंक्शन है जैसे सिंपली एक्स से वाई, ठीक है, दो सेट है, इसके एलिमेंट हैं जैसे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, ठीक है, यहां पर वाई वन वाई टू और वाई थ्री, ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि वन वन और ऑन टू, ठीक है, मतलब सभी का रिलेशन इस तरीके से, ठीक है। अब जो एक्स से वाई जो रिलेशन है उसको क्या कहेंगे, फंक्शन है एफ इस तरीके से एक्स से वाई, ठीक है, इसको क्या कहेंगे एफ फंक्शन, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था इनवर्स, ठीक है, इनवर्स क्या होता है, इस जैसे यहां पर एक्स वन है, मतलब एफ इस चीज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब पहले सेट का कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसका सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, इस तरीके से डिफाइन करते हम, या फिर एफ ऑफ एक्स वन पहले सेट का एलिमेंट लिया एक्स वन, इसका रिलेशन किसके साथ है वाई वन के साथ, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस एक्स टू का रिलेशन किसके साथ है वाई टू के साथ, ठीक है, और एक्स थ्री का रिलेशन वाई थ्री के साथ, इस तरीके से, ठीक है। अब इनवर्स के केस में क्या होगा, हमारे पास इनवर्स के केस में जो पहला सेट है वो यहां पर वाई होगा, ठीक है, और सेकंड सेट एक्स होगा इस तरीके से, ठीक है, और इसके एलिमेंट हैं जैसे वाई वन वाई टू वाई थ्री, और एक्स सेट के एलिमेंट थे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, इस तरीके से रिलेशन था, ठीक है। जब एक्स वन का रिलेशन वाई वन के साथ है तो एफ फंक्शन, लेकिन जब वाई वन का रिलेशन है एक्स वन के साथ उस केस में क्या होगा, एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर माइनस वन, ठीक है, ये पावर नहीं, इसको सिर्फ सिंबल है इसका, ठीक है, इसको ये नहीं लिख सकते हम कि पावर ऊपर है माइनस वन तो नीचे आएगी ये, ठीक है, इसके बराबर कभी भी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ नोटेशन एक, ठीक है। अब इस चीज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, मतलब एफ इनवर्स किसका वाई वन का, ठीक है, पहले सेट, अब इनवर्स के केस में पहला सेट तो ये होगा, ठीक है, पहला सेट ये दूसरा सेट ये, पहले सेट का एलिमेंट लिया और इसका रिलेशन किसके साथ है एक्स वन के साथ इस तरीके से, ठीक है, यहां पर वाई टू, इसका रिलेशन एक्स टू के साथ, और यहां पर वाई थ्री का रिलेशन किसके साथ है एक्स थ्री के साथ, ठीक है, मतलब क्या है जो सिंपल एफ फंक्शन है एफ ओ जी ओ, ठीक है, मतलब सिंपल फंक्शन में पहले सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे प्री इमेज, ठीक है, और दूसरे सेट के एलिमेंट इमेज, ठीक है, लेकिन इनवर्स के केस में उल्टा होगा, मतलब क्या है जो पहला सेट है, जो पहला सेट है वो होंगे तो प्री इमेज, वो होंगे तो क्या प्री इमेज, मतलब वाई वन की इमेज क्या है एक्स वन है, ये इनकी इमेज है, ठीक है, लेकिन यहां पर प्री इमेज थी जो एक्स सेट था, ठीक है, लेकिन इनवर्स के केस में, इनवर्स के केस में इमेज ये है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर यही क्या है प्री इमेज, ठीक है, तो जो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी, हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी इनवर्स फंक्शन की, कि एक एफ फंक्शन लिया एक्स से वाई, ठीक है, एक्स से वाई एक फंक्शन लिया, वो क्या था वन वन और ऑन टू, वो क्या था वन वन ऑन टू था, ठीक है, ये कंडीशन जरूर है, तो क्या होगा जो एफ इनवर्स होगा,
ठीक है, एफ इनवर्स इस तरीके से नोटेशन है, एफ इनवर्स फंक्शन है, फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, सिंपली फंक्शन है, और फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो इस तरीके से डिफाइन होगा। अगर सिंपली फंक्शन एक्स से वाई तो उसका इनवर्स वाई से एक्स होगा, उसका उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से एफ इनवर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं आगे कि विच एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट का मतलब जोड़ना, ठीक है, विच एसोसिएट की किस तरीके से वाई एलिमेंट है सिर्फ किसका, वाई सेट का, ठीक है, और ए यूनिक एलिमेंट, ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट किसका, एक्स सेट का, ठीक है। वन वन ऑन टू की भी तो यही डेफिनेशन थी कि सारे एलिमेंट यूज हो, यूज का मतलब यूनिक, यूनिक एलिमेंट इस तरीके से, मतलब एक एलिमेंट का एक ही के साथ रिलेशन हो, मतलब वाई का रिलेशन सिर्फ एक्स के साथ हो, यूनिक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, वन वन ऑन टू की डेफिनेशन थी इसलिए, ठीक है। अब एफ एक्स से वाई, ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अब क्या है, एफ इनवर्स वाई से एक्स है, तो यहां पर जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था, ठीक है, अगर इनवर्स की टर्म में फाइंड आउट करेंगे इसी चीज को तो क्या होगा, सिंपली एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स के, ठीक है, जैसे एक्स से वाई रिलेशन है उसको क्या कहते हैं, एफ फंक्शन, इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या, इस चीज का मतलब क्या है कि पहले सेट का कोई एलिमेंट लिया, पहले सेट के एलिमेंट ही है एक्स, ठीक है, और उनका रिलेशन दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ इस तरीके से। अब यहां पर पहला सेट क्या है, वो वाई, ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट लिए, ठीक है, और उनका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ इस तरीके से, तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स के, ठीक है, और यहां पर एक्स और वाई क्या है, सिर्फ एलिमेंट है कि इनके, इन दोनों सेट के, एक्स और वाई के, ठीक है, इस तरीके से हम इनवर्स की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ठीक है, कि कंडीशन सिर्फ यही है कि वो क्या है, वन वन ऑन टू, और सिंपली कि दोनों जो दो सेट होंगे उनमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, सिंपली, तो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।